होंगी। पूरे विश्व की निगाहें इस मिशन पर टिकी हुई हैं। हमारी सहयोगी अमनदीप भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस वक्त नेहरू प्लेनेटोरियम से। अमनदीप, आपके पास आती हूं, वहां की तैयारी कैसे दिख रही है और शाम को 6:04 पर लैंडिंग के वक्त के लिए भी कुछ स्पेशल तैयारी है क्या वहां? बिल्कुल मेनका, देखिए तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी है और इंतजार सबको है 6:04 का, और यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है और ऐसे में इसको पूरा डेकोरेट भी किया गया है। लेकिन जो स्पेशल स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है जिसको टचडाउन कहा जा रहा है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले टाइमिंग दी गई है 1:40:50, इतना वक्त और बाकी है जिसके बाद में जो चंद्रयान 3 है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। और अभी क्या स्थिति है वो भी यहाँ पर तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले आप ये पहली तस्वीर देखिए, ये है चंद्रयान 3 और ये है चंद्रमा, और चंद्रमा के चारों ओर अभी ये चक्कर लगा रहा है। और इसमें ये दिखाया गया है पहली तस्वीर में, ये अभी जो स्थिति वहां पर बनी हुई है वो पहली तस्वीर में आप देखिए, और दूसरी तस्वीर, ये दूसरी तस्वीर है चंद्रमा की, और यहाँ पर जहाँ दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग होनी है वहां की तस्वीरें यहाँ पर देखिए 4 दिखाई गई हैं। और सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो है यहाँ पर गड्ढे होना, पहली बड़ी चुनौती। तो देखिए यहाँ पर ज्वालामुखी बहुत ज्यादा है, ऐसे में खतरा बहुत ज्यादा है। दूसरा जो बड़ा फैक्टर है वो है बड़े बड़े गड्ढे होना, और यहाँ पर इन तस्वीरों में आप देख पा रही होंगी यहाँ पर काफी छोटे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स की तरफ से ये बताया गया कि ये बहुत ज्यादा गहरे हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि पिछले 4 सालों में 4 देश अपने यान भेज चुके हैं लेकिन एक भी सफल नहीं हो पाया, उसमें से भारत का भी 2019 का चंद्रयान 2 रहा। और 8 किलोमीटर गहरे गड्ढे के किनारे दक्षिणी ध्रुव मौजूद है, और ये सबसे बड़ा जो है वो कारण, बिल्कुल ये एक चुनौती है कि वहाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं, गड्ढों के अंदर सूर्य की रोशनी प्रॉपर पहुंच नहीं रही होगी जिसकी वजह से दूरी का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, कई दुश्वारियां हैं। लेकिन उम्मीद भी है कि इस बार तैयारी पूरी है और उस तैयारी का नतीजा होगा कि चंद्रयान 3 कामयाब हो जाए, ये उम्मीद बहुत इस बार मजबूत है। आप सभी बने रहे हमारे साथ, और अपने दर्शकों को हम बता दें कि कौन कौन से वो पड़ाव हैं जब लैंडिंग, जो आखिर के 15 मिनट बहुत महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, उसके बारे में आपको बता देते हैं कि किस किस फेज से लैंडिंग होगी। 8 पड़ाव कुल होंगे जब चांद को लैंड करवाया जाएगा। पहले पड़ाव में पहले चरण की बात कर लेते हैं, विक्रम चांद की सतह से करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। जी हाँ, जब चांद की सतह से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर होगा विक्रम, तब से शुरू हो जाएगी इसको अलग करने की, लैंड करने की, टचडाउन करने करवाने की प्रक्रिया। अगला पड़ाव होगा, वहां तक पहुंचने में 11 मिनट का वक्त लगेगा, यानी कि 690 सेकंड का वक्त लगेगा 8वें से 7वें पड़ाव तक पहुंचने में। और दूसरा पड़ाव होगा क्या, लैंडर उस वक्त 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा चांद से, यानी कि थोड़ा और करीब आ जाएगा, और बहुत करीब कह सकते हैं इसे। इस दौरान उसकी रफ्तार 358 मीटर प्रति सेकंड होगी। ये सफर 30 किलोमीटर से 7.4 किलोमीटर के बीच का होगा और इसमें लगेंगे कुल 11 मिनट। और उसके बाद आता है तीसरा पड़ाव, विक्रम 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा चांद से और उसकी रफ्तार उस वक्त हो जाएगी 336 मीटर प्रति सेकंड। ये सफर 7.4 किलोमीटर से 6.8 किलोमीटर के बीच का होगा। और फिर हम दाखिल हो जाएंगे चौथे पड़ाव में। जी हां, 800 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर के सेंसर चांद की सतह पर लेजर किरणें भेजकर अपने उतरने के लिए सुरक्षित जगह का मुआयना करेंगे कि किस जगह पर उतरा जाए कि सुरक्षित लैंडिंग हो पाए। पांचवा पड़ाव क्या है, वो 150 मीटर की ऊंचाई पर पांचवा पड़ाव होगा। उस वक्त लैंडर की रफ्तार फिर बदल जाएगी और वो हो जाएगी 60 मीटर प्रति सेकेंड, बहुत कम रफ्तार और कम कर दी जाएगी ताकि सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जा सके। यहां यात्रा 800 मीटर से 150 मीटर के बीच की होगी। छठवां पड़ाव होगा 60 मीटर की ऊंचाई पर, विक्रम की रफ्तार एक बार फिर बदलेगी, 40 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार हो जाएगी और यह यात्रा 150 मीटर से 60 मीटर के बीच होगी, यानी कि बहुत करीब विक्रम लैंडर पहुंच जाएगा चांद के। और यहां पर लैंडर लंबवत होना शुरू होगा, जी हाँ लंबवत हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और सातवां पड़ाव उसके बाद आता है 10 मीटर की ऊंचाई पर, जहां पर और भी ज्यादा स्पीड कम हो जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार रह जाएगी और इस दौरान लैंडर लंबवत ही रहेगा, रफ्तार 10 मीटर प्रति सेकंड से भी कम हो जाएगी। आठवां पड़ाव सबसे अहम पड़ाव है, जब चंद्रमा की सतह पर विक्रम की सुरक्षित
सॉफ्ट लैंडिंग होगी, टच डाउन होगा, और इस दौरान लैंडर की रफ्तार 1 से 2 मीटर प्रति सेकंड होगी, यानी कि उसकी रफ्तार बहुत कम कर दी जाएगी ताकि वो बहुत ही आसानी से चांद की सतह को टच करे। तो इस तरह से तैयारी की गई है अलग अलग चरणों की।